तो किसी दूसरे की नौकरी करके कितना रुपया आप कमा लेते हैं? बाहर में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 10,000, 11,000, इससे ज़्यादा का महीने का नहीं कमाते हैं। ये बात आप लोग भी मानते होंगे। अगर किसी के अंदर आप 12 घंटा ड्यूटी करते हैं तो आपको 400 से 500 रुपये देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। सिटी में किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, 12 घंटा ड्यूटी करने पर 400 से 500 रुपये मिलते हैं। जिसमें आपको बता दें, 90% लोग की बात मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, 500, 600 इससे ज़्यादा रुपये नहीं कमाते हैं रोज का। और उसमें रूम भाड़ा, राशन, खाना पीना, रहना, ये सभी लेकर 5 से 6 हज़ार रुपये ख़त्म हो ही जाता है। ये बात यदि आप सिटी में रहते हैं या फिर कभी सिटी में रहे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि फ्रेंड्स, 5 से 6 हज़ार रुपया आपको ख़त्म हो ही जाता है। तो आपको बचा कितना, 10,000 रुपया। कमा रहे कितना, 16,000 17,000 के महीने, और इसमें बचत 8 से 10 हज़ार हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि यदि आप किसी दूसरे के अंदर नौकरी करते हैं 12 घंटा, तो आपको 400 500 एक दिन का देहरी मिलता है। और इसी में फ्रेंड्स, अगर आप कोई अपना वर्क, कोई अपना बिजनेस करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यही बिजनेस करें, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों के लिए बिजनेस का नए नए आइडियाज़ लेकर आएंगे, बात करेंगे उनसे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप कोई भी बिजनेस कीजिए, आपका जो भी इंटरेस्ट है, जिस भी बिजनेस में कोई ना कोई काम जरूर होगा जो कि उसमें आपको इंटरेस्ट होगा, और वही काम आप कीजिए। आप आज कम कीजिएगा, अपना शुरू कीजिएगा, तो स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा पैसे नहीं बचत होगा। यदि आप कोई भी काम करते हैं फ्रेंड्स, कोई भी काम, तो उसमें आपको स्टार्टिंग में पैसा बिल्कुल भी नहीं बचेगा और नहीं बचता है। और ऐसे में यदि आप मन तोड़ लेते हैं या फिर आपका दिल टूट जाता है कि यार कोई काम किए और सक्सेस नहीं हो पाए, और फ्रेंड्स आप हार मानकर वो काम छोड़ देंगे, तो फिर आप कहीं का नहीं रहेंगे, आप कहीं का भी नहीं रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सफलता पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत और बहुत ही समय का इंतज़ार करना पड़ता है। आपको मन को कंट्रोल में करके रखना होगा। और आप छोटे से भी बिजनेस अगर आप कोई कर लेंगे, तो आप धीरे धीरे एक दिन ऐसे बिजनेस के मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिसका आप सोच नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आज तक जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है, क्या वो बड़े बिजनेस से ही स्टार्टिंग किए हैं, वहाँ तक पहुँच गए हैं? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग भी काफ़ी छोटे बिजनेस से शुरू किए हैं और आज काफ़ी ऊंचाइयों तक चले गए हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग स्टार्टिंग में ही बड़े बिजनेस कर लिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप कोई भी बिजनेस कीजिए, लेकिन अपना कीजिएगा, तो फ्रेंड्स आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। लेकिन आप किसी की नौकरी करते हैं, किसी के अंदर नौकरी करते हैं, तो अपना पेट भरने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने बच्चे को फ्यूचर नहीं बना सकते हैं, बच्चे को अच्छे स्कूल में अच्छे पढ़ाई लिखाई नहीं करवा सकते हैं, अच्छे स्कूल में। किसी नौकरी करने वाले व्यक्ति का आज तक बहुत कम ही बच्चे होंगे जो कि अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे जॉब करते हैं। लेकिन आप एक बिजनेसमैन की देखिए, बिजनेसमैन के जो बच्चे होंगे वो अच्छे अच्छे स्कूल में, अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन जो नौकरी करते हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। क्यों? उनके पास उतना पैसे नहीं है जो अच्छे स्कूल में वो अपने बच्चे को पढ़ा सके। इसीलिए मेरा फ्रेंड्स कहने का मतलब यही है कि आप जो भी कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप 2 लाख 3 लाख रुपये आपके पास है तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास 5,000 रुपया है ना, तो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और 5,000 से आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से नए नए बिजनेस आइडियाज़ लेकर आएंगे, और आप लोगों को कम से कम 5,000 10,000 15,000 में जो लोग बिजनेस करते हैं और उनसे अच्छे खासे कमाई करते हैं, वो सारे आइडियाज़ आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से हम ज़रूर देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरा एक ही मकसद है
किसी दूसरे का नौकरी नहीं करना, अपना जो भी है वो अपना बिजनेस कीजिए। और किसी के अंदर नौकरी करने वाले आज तक सक्सेस बहुत कम लोग ही हो पाए हैं, हुए हैं बहुत ही कम, ना के बराबर। इसलिए फ्रेंड्स मेरा मकसद यही है, और आप लोग भी अपना टारगेट बनाइए, कोई भी बिजनेस शुरू कीजिए, आप अपना कीजिए, यही मैं कहूँगा। और आप लोगों के लिए रोज़ नए नए टॉपिक पे वीडियोज लेकर आएंगे, और आप लोग चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, और हम आप लोग के साथ हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, साथ बात करेंगे, साथ आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही कहते हैं, आप लोग का अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो हम आपके लिए रोज़ ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में नए नए वीडियो लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।